चलिए आज हम लोग देख लेते हैं अपना अगला सवाल, जो कि है सवेरी सीरीज का समवॉट अराउंड 10वां 10th पार्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव सबसिक्वेंस हमें निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहे हैं, गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस सच दैट एलिमेंट इन द सबसिक्वेंस आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और चलिए अभी मैं आपको पहले एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके अप्रोच समझा देता हूँ और इसके बाद इसकी एल्गोरिथम बता देता हूँ। ठीक है, और कोड आपको पता ही है, अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, उसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल क्या है, 2619453, 2619453। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दे के रखा है। ठीक है, इसमें मांगा क्या है कि लॉन्गेस्ट कॉन्सिक्यूटिव सबसिक्वेंस चाहिए। ठीक है, अब जिसको सबसिक्वेंस नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ। सबसिक्वेंस और सब एरे बहुत ही दोनों डिफरेंट है। ठीक है, आप एक तरह से बोल सकते हो सब सिक्वेंस जो होता है ना वो सब एरे का भाई होता है। ठीक है, सब एरे में क्या होते हैं, सब एरे हम किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जो पार्ट है जो कंटिन्यूस होते हैं ना वो सब एरे कहते हैं सिंपल वर्ड में। ठीक है, कंटिन्यू पार्ट हम कोई भी उठाते हैं ना, कंटिन्यूस जो होने चाहिए वो सब एरे कहलाते हैं। और जो हमारा सब सिक्वेंस होता है ना उसमें कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं होती है, वो सारे एलिमेंट एरे के अंदर होने चाहिए। जैसे आप लोग ने सेट जो हमने हम लोग 12th में पढ़ा था उसमें पता है कि सबसेट जो होते हैं उसमें भी कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं चाहिए, तो इधर भी आपको कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं चाहिए। इधर ऐसे हो सकते हैं 2195, ये क्या है, ये क्या है हमारे, ये है सब सिक्वेंस। ठीक है, इनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो यही होता है सब सिक्वेंस और ये है सब एरे। ठीक है, इतना डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक मिनट मिटा दूं मैं जरा। हाँ, ये देखिए एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको लॉन्गेस्ट कॉन्सिक्यूटिव सबसिक्वेंस चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव मतलब 1 2 3 4 5, ये क्या है, सारे कॉन्सिक्यूटिव, इसको कहते हैं पांच कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंट नंबर, मींस जिसका डिफरेंस वन होना चाहिए, लगातार आते रहे। तो इसमें हमें ढूंढना है कि लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस कौन से होंगे। तो इधर हम देख सकते हैं, वन है इस सब एरे में, हाँ है, टू है, हाँ है, थ्री है, हाँ है, फोर है, हाँ है, फाइव है, हाँ है, सिक्स है, हाँ वो भी है, और उसके बाद क्या है, डायरेक्ट नाइन आ रहा है। ठीक है, तो इधर लॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा, ये इसका आंसर सिक्स हो जाएगा। ठीक है, मीन्स सिक्स आपको लगातार मिले, उसके बाद तो नाइन अलग हो गया। ठीक है, तो यही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इधर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कैसे चेंज करोगे जी, एक काम करता हूँ मैं, इधर नाइन कौन सा, सिक्स के बदले मैं लिख देता हूँ 10 लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा फील आने के लिए। ठीक है, 2 10, ठीक है, 2 10 9 4 5 3। ठीक है, और इधर क्या था, वन था। तो इधर हम लोग का क्या करना है, बेसिकली लॉन्गेस्ट कॉन्सिक्यूटिव सबसिक्वेंस निकालना है। ठीक है, तो इसका मेथड देखो, बहुत मजा आएगा। देखो मेरी तरह सोचो, आपको क्या करना है इसमें, आपको ये भी, ये जो सारे हैं, ठीक है, ये जो भी है, ठीक है, उसको आप एक काम कर सकते हो, सेट में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सेट में भैया क्यों करना है, तो देखो, तो आप जब भी ये सारे नंबर को सेट में इंक्लूड कर दोगे, सेट में आपको पता है सारे क्या होते हैं, आपको मीन्स अगर आप सेट में इंक्लूड करोगे सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, और यूनिक एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने सेट में जैसे इंक्लूड किया तो 1 2 3 4 5, के बाद हमारा क्या हो जाएगा, नाइन है और 10। ठीक है, ये हमने सेट में जैसे इंक्लूड किया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक ट्राई करेंगे, एक लूप घुमाएंगे। लूप में क्यों घुमाएंगे, मीन्स ये सारे एलिमेंट हमने सेट में इंक्लूड किए, हम एक लूप घुमाएंगे और उसमें चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे जैसे हमारा सबसे पहला एलिमेंट, लेट मी से आई, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2 है। ठीक है, हम चेक करेंगे, नहीं, आई की वैल्यू 0, इंडेक्स हम निकालते हैं, और एरे ऑफ आई क्या हो जाएगा हमारा,
हम चेक करेंगे सेट के अंदर, ठीक है, सेट के अंदर हम चेक करेंगे कि जो भी एरे ऑफ आई मीन्स जो भी 2 -1 मीन्स 2 से पहले वाला नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 सेट के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, हम चेक करेंगे। जैसे इस केस में लेते हैं 2, 2 मैंने पहला एलिमेंट लिया तो मैं चेक करूंगा 2 -1, ठीक है, वो इस सेट के अंदर इंक्लूडेड है, हाँ जी 1 तो आ रहा है, तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, क्या रहने दो। उसके बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद हम आई को मूव करेंगे 10 के पास, 10 से पूछेंगे भैया 10 -1, 10 -1 की वैल्यू क्या, 9, 9 इंक्लूडेड है, हाँ जी सेट के अंदर तो है, ठीक है कोई नहीं हम छोड़ देंगे। फिर हम 1 के पास जाएंगे, फिर पूछेंगे 1 साहब 1 -1 0, सर 0 सेट के अंदर इंक्लूडेड है, सेट बोलेगा भाई नहीं है, जब ही उसने नहीं किया तब एक काम करेंगे हम, क्या काम करेंगे, हम एक लूप घुमा देंगे। कैसा लूप घुमा देंगे, हम एक काम करेंगे कि ऐसा लूप घुमाएंगे कि 1 से लेके, ठीक है, जैसे मैं एक लूप घुमाता हूँ, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब तक सेट, लेट मी से एक काम करेंगे कि जो जैसे 1 आया, ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा जे इक्वल टू 1 लिख दूंगा, ठीक है, मैं जैसे इधर मैंने 1 को एक जे वेरिएबल को 1 असाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम एक काम करेंगे, एक प्यारा सा लूप घुमाएंगे, ठीक है, और उस लूप में हम क्या करेंगे, उसमें हम चेक करेंगे हमेशा कि 1 को इंक्रीज करते रहेंगे। जैसे हम सेट में वापस चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे 1 सेट के अंदर है, हाँ जी है, तब जे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, मीन्स 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, ठीक है, तो उसके बाद 2 आएगा, चेक करेंगे 2 साहब सेट के अंदर इंक्लूडेड है, हाँ जी है, ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर 3 के पास जाएंगे, ठीक है, जे प्लस प्लस है ना, फिर 3 हो जाएगा, 3 इंक्लूडेड है, हाँ है, फिर क्या हो जाएगा, 4, 4 इंक्लूडेड है सेट के अंदर, हाँ जी है, 5 इंक्लूडेड है सेट के अंदर, हाँ जी है, के पास गए, सर 6 इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, जब ही नहीं है, जब ऐसा कंडीशन हमें मिल गया कि इंक्लूडेड नहीं है, तब अपन क्या कर देंगे, अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे ना, फिर तो डिफरेंस निकाल लेंगे, जो भी जे की वैल्यू आई माइनस एरे ऑफ जो भी मीन्स -1, ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो जे की वैल्यू मेरी क्या आई, 6 आई, 6 -1 कितना आंसर आ गया, 5, और कितने नंबर हैं ये सारे, 5 ही हैं, ठीक है, तो हमें सबसे लॉन्गेस्ट निकल के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, और लॉन्गेस्ट की अगर बात इससे भी कोई बड़ा होगा तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा मैक्स फंक्शन लगा देंगे, मैक्स एक वेरिएबल मैक्सी जो हम रिटर्न करेंगे और मैक्स में डाल देंगे, एक तो क्या बोलते हैं मैक्स जो हम पहले इनिशिएट कर देंगे, और उसके बाद हमारे डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या, जो भी जैसे जे माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है, जो भी हमें स्टॉप करके मिलेगा, ठीक है, तो ऐसा हम कर देंगे, ठीक है, और आपको बिल्कुल इजीली आंसर आपका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, होप आपको ये अप्रोच काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, तो चलिए अब हम इसके एल्गोरिथम को देख लेते हैं, एक बार एल्गोरिथम भी देख लेते हैं, ठीक है, तो एल्गोरिथम हमारा क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप एक सेट को इनिशियलाइज कर लीजिए और उसमें आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करा दीजिए, हाँ हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एल्गोरिथम क्या कर रहा है कि आपने जो सेट में इंक्लूड कराया है जो भी एलिमेंट्स को, उसको आप एक एक करके चेक कीजिए, -1 उससे पीछे वाले को, मीन्स अगर आपने 2 एरे से लिया है तो 1 को चेक कीजिए कि 1 इंक्लूडेड है या नहीं, क्योंकि हमें तो कॉन्सिक्यूटिव चाहिए ना जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, अगर 2 है तो हमें 1 भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसा अगर मीन्स जो भी हम पिछले वाले चेक करते रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, वो सारे सेट के अंदर इंक्लूडेड है, तब हम उसे कैरी ऑन करें, और अगर कोई ऐसा हमें केस मिला जिसकी मीन्स जैसे 1 था, 1 -1 0 जो सेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तब हमें क्या करना है, हमें जैसे 1 मिला उसको आप इनिशियलाइज कर लीजिए किसी भी वेरिएबल से, लाइक लेट मी से जे से आप इनिशियलाइज कर लीजिए, हाँ हम कर देंगे, जैसे मैंने आपको समझाया, फिर जैसे 1 को आपने इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद आप एक लूप घुमाइए, लूप में आप क्या कीजिए कि उसमें भी चेक कीजिए कि 1 सेट के अंदर इंक्लूडेड है, हाँ जी है, जब भी इंक्लूडेड है तब 1 को आप इंक्रीमेंट कर दीजिए, 2 इंक्लूडेड है, हाँ जी है, 3 इंक्लूडेड है, हाँ जी है, 4
फोर इंक्लूडेड है, हाँ है, फाइव इंक्लूडेड है, हाँ है, ऐसे तक आप इंक्रीमेंट करते जाइए ये जे की वैल्यू, और सिक्स इंक्लूडेड है नहीं, जैसे ही नहीं इंक्लूडेड है आप क्या कीजिए, स्टॉप कीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, डिफरेंस निकालिए, जो भी हमारी वैल्यू जे कितनी हो गई थी, सिक्स हो गई थी, और उसको किससे माइनस कर दीजिए, जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू थी वन से जो आपने ली थी, सिक्स माइनस वन फाइव, तो फाइव मीन्स फाइव कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपको उस एरे में मिल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इधर सब सीक्वेंस निकालना है, सब एरे नहीं, सब एरे होता तो तुरंत निकल जाता, कोई सेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और सब सीक्वेंस से हमें एरे में कहीं से भी मीन्स निकाल के रखना है, ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे, जो मैंने आप एल्गोरिथम में बताइए कि आप ट्रावर्स कीजिए वैल्यू एंड चेक इन इन सेट दैट इट इज इंक्लूडेड, इफ यस देन इंक्रीज बाय वन एंड इफ नो देन फाइंड इट्स डिफरेंस, ठीक है, जो आप लोग कर देंगे, और उसके बाद आपको पता है कि मैक्स वैल्यू निकालना है, तो आप मैक्स कंडीशन भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट एसटीएल से फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यही था क्वेश्चन, ज्यादा कोई बुद्धि लगाने की बात नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो चलिए अब आप कोड लिख के ट्राई कीजिए, नहीं तो आपको कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो अगले वीडियो में कोड भी मैं आपको समझाऊंगा लाइव करके, ठीक है, तो चलिए बाय।